हेलो 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 एंड ओरियो का एड आ चुका है धोनी जी का फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। 2011 में ओरियो आया तो 2011 में हम वर्ल्ड कप जीते और 2011 में वर्ल्ड कप जीते तो 2011 में ओरियो लॉन्च हुआ। इसी ह्यूमर पे इफ यू नो दैट इसी ह्यूमर पे धोनी भाई ने वापस से एक और ऐड किया है ओरियो के साथ एंड आज हम दोनों रिएक्ट करने वाले हैं उस पे। सो चलो देखते हैं क्या है। And we are back. Let's continue with Jyoti. Well, I feel that our team still has some areas to improve. I'm sorry, but I disagree. I think Asia tournament की brilliant performance के बाद मत बोलो, please मत बोलो। दादा। Welcome. Sorry to come like this. I know you guys had a lot to discuss. But... It's okay. Please, please. Oreo. Thank you. Hi, this is a big surprise. Everyone. Today in the studio we have our very own Mahendra Singh Dhoni. Welcome, Mahi. This is so unexpected. लेकिन as usual perfect timing by you. हम अभी आने वाले कप के बारे में ही बात ओरियो और हम बोल रहे हैं मत बोलो। मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। आने वाले कप में इंडिया के चांसेस के बारे में मत बोलो। जिस चीज़ के बारे में इतना ढिंडोरा पीटते हो पता है ना क्या होता है? नजर लग सकती है। कनेक्शन समझ रहे हो ना? पर माही पिछले साल हमारी टीम सेमीफाइनल्स में पहुंच गई थी और लास्ट में शायद तो इस बार हम चांस ही नहीं लेंगे। कुछ बोलेंगे ही नहीं माही लेकिन कुछ भी आई मीन द करंट नो हाउ आई एग्री टू दिस एक्चुअली। सो पहला मैच जीते मत बोलो, उनके साथ भी मैच जीते मत बोलो, फाइनल्स तक भी पहुंच गए मत बोलो। Then माही आंसर में दिस कि बोले कब जब तक जो चीज सबको चाहिए वो मिल ना जाए मत बोलो। या कमिंग तो बस एक बात याद रखना, ओरियो बोला मत बोल। ओरियो थैंक यू। और कहाँ माही We'll be back in a short while. सबसे पहले धोनी का न्यू लुक बहुत अच्छा लग रहा है। इतने टाइम से वो दाढ़ी वाले रुक में थे तो भाई वो पूरी व्हाइट कलर की दाढ़ी हो जाती थी उनकी। अभी मस्त डाई करा हुआ है, लंबे बाल, वो पूरा नॉस्टैल्जिया 2007 वर्ल्ड कप वाला, T20 वर्ल्ड कप वाला, तब बड़े बाल वाला धोनी हुआ करता था। सबसे बड़ी बात तो ये है। और उसके बाद बिल्कुल सही एजेंडा उठाया गया इस उसमें एडवर्टीजमेंट में कि अपन अपना आउटसाइड प्रेशर बहुत ज्यादा डाल देते हैं इंडियन टीम के ऊपर कि भाई एक मैच जीत गए तो मतलब वर्ल्ड कप जीत रही है इंडिया, मतलब ऐसी हालत हो जाती है। और एक मैच खराब खेल गए तो मतलब हार गए, मतलब ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाएंगे, मतलब ऐसी वाइब्स हो जाती है कि मतलब एक जीते तो बहुत बढ़िया, एक हार गए तो बहुत खराब। तो उस चीज के इशू रेस किया इस वाले में कि भाई हर चीज में इतना नहीं बोलना है क्योंकि इतना अपन बोल के एडेड प्रेशर डालते हैं टीम पे। क्योंकि अब आजकल के तब के जमाने में तो तब फिर भी आप न्यूज पेपर छोड़ दो या न्यूज चैनल बंद कर दो तो आप बाहर के नॉइस से बच सकते थे, लेकिन अब तो हर जगह सोशल मीडिया और किसी ना किसी तरीके से बाहर का नॉइस ड्रेसिंग रूम में आ ही जाता है। तो उस चीज पे यही बात है कि आप खुद से ट्राई करें क्योंकि टीम के पास तो बातें जाएंगी जो आप बोलोगे, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है इंडिया और सारे लोग क्रिकेट को तो बहुत ही ज्यादा फॉलो करता है। ये वाले किसी और चीज का वर्ल्ड कप होता, हॉकी का हो जाता या फुटबॉल वगैरह का भी कुछ भी होता, राइट, तो इतनी बातें नहीं होती जितनी क्रिकेट में होती। तो मतलब हर एक घर में आपको सारे प्लेयर ही मिलेंगे जो ज्ञान देते हो, तो इसलिए आप वो आउटसाइड नॉइस से बचने के लिए एक बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि इंडिया में होम वर्ल्ड कप हो रहा है तो ऑब्वियसली फुल पैक्ड स्टेडियम रहेंगे, स्टेडियम के बाहर भी भीड़ लगेगी, अंदर भी पूरे टाइम शोर आवाज रहेगी। तो आपको कम से कम अपनी टीम पे एक्स्ट्रा एडेड प्रेशर नहीं डालना है कि वो क्रम्बल हो जाए उसमें, क्योंकि आपको सपोर्ट करना है, उनकी वीकनेस नहीं बनना है, आपको उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनना है। तो आपको अपना वो बाहरी वाला नॉइज हटाना पड़ेगा और बस सपोर्ट करना रहेगा और इतना ज्यादा इंटीमिडेट नहीं करना पड़ेगा आपको टीम को, मतलब थोड़ा दूर रखें, डिस्टेंस रखें बातों में भी और स्पेस में भी, और टीम को खेलने दें फ्रीली। क्योंकि इंडिया का ऐसा ही रहता है कि ग्रुप स्टेज में अच्छा खेल लेती है लेकिन सेमीफाइनल में आके प्रेशर में आ जाती है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो जाती है नॉकआउट मैचेस में कि भाई इंडिया तो जीत रही है क्योंकि इंडिया ग्रुप स्टेज में इतना अच्छा परफॉर्म करती है, लोगों को लगता है हाँ नॉकआउट में भी आराम से जीत जाएंगी, और सब फिर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल देते हैं, मीडिया डाल देती है, स्टार स्पोर्ट्स देख लो आप, एडवर्टीजमेंट बनने चालू हो जाते हैं, भाई सब कुछ हो जाता है कि भाई इंडिया जीत रही है, अभी भी चालू हो गया है कि भाई इंडिया पाकिस्तान ये सब मौका सब देख ही लिया अपन ने, रिएक्ट भी कर दिया उस पर। वही सब एडेड प्रेशर है कि भाई इतना ज्यादा बड़ा एजेंडा बना लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि इट्स जस्ट अ गेम, उसको एंजॉय करना भूल जाते हैं, इतना एक्स्ट्रा एडेड डाल देते हैं प्रेशर कि भाई ये लाइफ और डेथ का सवाल है, ऐसी हालत हो जाती है। इसलिए अच्छा मुद्दा होता है और बहुत ही बढ़िया एडवर्टीजमेंट लगा, ये अभी तक का मेरे को सबसे बढ़िया लगा कि इसने सही इशू उठाया जितने भी स्टार स्पोर्ट्स ने बनाया और इस ऐड की एक बात मुझे और अच्छी लगी कि ये सेम जो हैशटैग वाले ट्रेंड था ये 2011 के अराउंड होना एलिवेट हुआ था और जितने बड़े बड़ी कंपनीज थे वो सब हैशटैग खुद का बनाए जा रहे थे। तो इस पर इस हैशटैग से एज यू सेड एक बहुत ही सब्लिमिनल मैसेजिंग हो रही है जिसको कहते हैं एडवर्टीजमेंट्स में कि क्रिकेट इज जस्ट अ गेम एज ए सेड, कि वो प्लेयर्स मतलब इस आर्मी थोड़ी हम वॉर थोड़ी लड़ रहे थे, ये गेम अमन का है, गेम पूरा स्पोर्ट्समैनशिप का है। सो ये काफी अच्छा हैशटैग लगा, ओरियो बोला मत बोल, बहुत सही, अच्छा फ्रेजिंग है, काफी बढ़िया जिसने। और आई लाइक कि धोनी बहुत ही स्पेसिफिक एड्स करते हैं बिकॉज उनको पता है कि मैं ऑफ कोर्स बोलना चाहूंगा इस पे कि धोनी के अलावा और कोई कर भी नहीं सकता है ये बात भी है बाकी सब हालांकि पास दिमाग है भाई, कब क्या करना है। Although राहुल द्रविड I would say नहीं, अभी वो नेशनल ड्यूटीज पे राहुल द्रविड, तो उनको अपन थोड़ा साइड रखेंगे। उनका ही वैसे भी शायद ये टेन्योर का लास्ट कप है क्योंकि शायद वर्ल्ड कप के बाद शायद टेन्योर एंड हो रहा है उनका। सो इट्स क्योंकि अब इंडिया के पास हमेशा फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं रहेगी। अब जैसे आप वर्ल्ड कप देखो 2021 वाला या 2022 वाला जो अपना था ना, उसमें इंडिया के पास बुमराह नहीं था तब भी, जब इंडिया को इंग्लैंड ने 10 विकेट हराया था ना ऑस्ट्रेलिया में, जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था सेमीफाइनल में, तब इंडिया के पास बुमराह नहीं था ना ऋषभ पंत था जो भी थे, एंड WTC भी आ गया तब इंडिया के पास प्लेयर नहीं थे, बुमराह नहीं था, ऋषभ पंत नहीं था, KL राहुल नहीं था। तो अब ये पहली बार हो रहा है कि इंडिया फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ एक ये वाले टूर्नामेंट में जा रही है, ICC टूर्नामेंट में। इन ये लोग राहुल द्रविड़ और अपने रोहित शर्मा अनफॉर्चुनेट रहे कि जब भी कोई मल्टी नेशन टूर्नामेंट हुआ तब उनके पास पूरी इंडिया वाली टीम नहीं मिली है, जो कोर स्ट्रेंथ टीम है वो उनको अभी तक नहीं मिली। तो ये भी एक डिफीट्स का एक रीजन है कि इंडिया क्यों हारा है। तो अब उनके पास फुल स्ट्रेंथ टीम है तो इसलिए होप्स बहुत ज्यादा है। बुमराह सबको कनेक्ट कर देता है भाई, क्योंकि उसकी बॉलिंग बहुत ही पियर्सिंग है, आगे से भाई विकेट लेता है फर्स्ट के 10 ओवरों में। उसके बाद हार्दिक पांड्या आ गए, वो बॉलिंग करने लगे हैं, तो भाई वो बैटिंग के साथ आपको बॉलिंग में भी 5-6 ओवर दे रहे हैं, तो पूरी टीम ब्लू होके चल रही है। अगर आपको ऐसे और रिएक्शन वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज अब अपेरेंटली हम यही करने वाले हैं साल भर। मैं एक और बात बोलने जा रहा हूँ, अभी तो मैंने इतना ज्ञान दिया कि भाई अपने को ये करना चाहिए, अपने को वो करना चाहिए, ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए। अभी मैं खुद 2 मिनट पर इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालूंगा कि मेरी होप्स बढ़ गई है वर्ल्ड कप के लिए। बोलना आसान है फिर भी, हाँ अपन इतना मतलब बस इतना ज्यादा प्रेशर मत दें कि भाई अपना काबू में रखें, थोड़ा कंट्रोल में रखें। ट्राई करेंगे सब, जरूरी नहीं है सक्सेसफुल हो, बट We will try कि outside noise अपन provide नहीं करें टीम। बाकी ट्विटर वालों को तो there is no explaining, इंस्टाग्राम वाले सब में बता ही चुके हैं। So guys subscribe कर लेना and thanks for watching, see you in the next one, bye.